तो गाइस नया साल का नया हॉरर वीडियो मेरे चैनल के अंदर आ गया गाइस। जी गाइस आज मैं खेलने वाले इसके नया हॉरर गेम और ये गेम बहुत ही ज़्यादा भयानक है गाइस। अगर आप लोग चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस गेम का नाम है द मेल। जी गाइस तो ये एक मेल है जो कि आप लोगों का जो मेरा जो मेरा जो है ना जो इंसान जो कैरेक्टर का मैं खेलने वाला रोल प्ले करने वाला हूँ उसका जिंदगी एकदम ही बदल जाएगा क्योंकि वो एक जी मेल को देखेगा। मतलब एक जी मेल उसके उसके पास आया था जिसको देखने के बाद तो क्या हुआ वो मतलब डिसीजन लिया कि उधर मुझे जाना है मुझे रिसर्च करना है उसके बारे में। वो उस जी मेल को मतलब किया था तो हेलो गाइस मैं हूं रिजु ऋषि आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल डीवी के भी नेटवर्क गाइस। आज की वीडियो में वाला नया एक हॉरर गेम द मेल गाइस और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे आप लोग इसे जो पे जाकर गाइस आप लोग जो कर सकते हैं सेटिंग पे जाकर आप लोग इंडियन लैंग्वेज आप लोग चेंज कर मतलब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो कि आप लोग इधर प्ले कर सकते हैं और जो बहुत सारे लैंग्वेज भी हैं तो गाइस तो आप लोग खेल सकते हो उस लैंग्वेज से। तो मैं हिंदी चूज कर रहा हूँ मुझे पता है मैं बाद में कर लूँगा इंग्लिश कर लूँगा बहुत ज़्यादा बहुत हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आता। तो नया गेम पे मैं क्लिक करता हूँ तो चलते हैं गेम की ओर। ओके तो अभी मैं सोया हुआ हूँ। हाँ मुझे पता है मैं आलसी हूँ। ओ कुछ मैसेज आया। ओके ओके जीमेल पे देखता हूँ क्या आया। ओके लैपटॉप वो भाई साहब मेरे पास आई बुक है शायद ये आई बुक कहते हैं ना पता नहीं चाहे पता नहीं चाहे मेरे पास पीसी अपना। ओके गाइस गेमिंग पीसी तो लगता तो है नहीं कि हाँ लगता तो है गेमिंग पीसी है। ओके जीमेल आया जीमेल पे देखते हैं क्या है। ओ गाइस ओके हमें इधर रिपोर्ट किया गया है कि इधर एक हाउस है एक हॉन्टेड हाउस जिसके अंदर मुझे जाना है। तो एक्चुअली मैं एक घोष बस्तर हूँ आप लोग कह सकते हैं एक तरीका का। तो ओके बहुत ही बढ़िया। ओके क्लोज करते हैं। ओके अभी मैं सो जाता हूँ फिर से मुझे तो सोना ही आलसी लगता है भाई आलसी हूँ बहुत ही ज़्यादा। ओके ओ अभी अभी क्या कर रहे हो ओ एक सेकेंड एक सेकेंड क्या हो रहा है ओली शिट गाइस ये क्या है ओ माय गॉड अब क्या करने वाला ये। ओके 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 धीरे धीरे मैम साहब धीरे भाई ओके ओके मैंने कुछ नहीं किया। ओ मेरे पास आ रही है मेरे पास आ रहे ओ ओ हो अब भाई साहब क्या है गाइस ये क्या था ये। अच्छा तो मैं सपना देख रहा था होली शिट गाइस बॉडी। ओके गाइस और हाँ इसका कंट्रोलर। ओके तो मैं इसको ऐसे सो सराउं तो सरेगा तो है नहीं पता मुझे पता ही लग रहा था तो नहीं तो इसलिए ये किस लिए तो ये एक स्किन मूव के लिए शायद है। हाँ जी गाइस और ये जॉयस्टिक। ओके तो जॉयस्टिक तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और मुझे इसका कंट्रोल एकदम ही पसंद नहीं आया ठीक है और थोड़ा सा और एक बेहतर कर सकते थे पर कोई नहीं चल जाएगा इससे। ओके तो हमारा इधर मैकबुक है तो मैकबुक के अंदर हम लोग चेक करेंगे थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे हम लोग गूगल बाबा से हम लोग देखेंगे गूगल सर्च करेंगे तो हमारा इधर गूगल बाबा है तो गूगल करते हैं। ओके हमारा शायद विकिपीडिया बाबा भी हमारे साथ मतलब कोऑपरेट करेगा तो विकिपीडिया कर लेते हैं। ओके ओके तो हाँ मुझे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है लिखा। तो इधर पहली बात तो ये क्या कहा गया है कि इधर क्या ये एक हॉन्टेड हाउस है हॉन्टेड हाउस को मुझे जाना पड़ेगा जाके इसका जो पहला जो स्टोरी है मतलब एक फैमिली रहता था और फैमिली को किसी ने मार दिया और उसने उसके बाद उस पर एक मतलब एक मैडम की एक आत्मा रहने पड़ा आत्मा रह रहा है मैडम एक मैडम जी की आत्मा है तो मुझे किसी भी करके उसको उससे लड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं घोषबस्तर हूँ आप लोगों को पता है घोषबस्तर का काम क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं। ओके वॉट कर लिया हम लोग गूगल बाबा अभी हम लोग चलेंगे हमारे
इधर से ही शायद चलना पड़ेगा। चलो, ओ हम लोग चल पड़े हैं। हम लोग बाहर आ गए, अभी देखते हैं क्या होता है। गेम स्टार्ट हो चुका है और स्टोरी मोड भी चल चुका है। ओ भाई हमारा प्यारा कार, शायद इसके अंदर मैं कह दूँ कि मैं ही हूँ। जी गाइस, ओह वाह बहुत ही बढ़िया। ओह यू यू भाई साहब, चलो भाई। प्यारा रात 1:32 हो चुका है और मैं अभी हूँ कहाँ भाई साहब, कहाँ हूँ भाई। थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस इधर। ओ भाई कुछ अभी मैं मैं उस सर आ गया, तो बंगले के बाहर मैं आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते गाइस, तो आप लोग देख सकते, ये रहा मेरा बंगला जो कि मैं बंगले के अंदर आ चुका हूँ, मतलब बंगले के बाहर ही हूँ। तो ये देख सकते गाइस, तो इसके अंदर चलते हैं गाइस। और हाँ ऑब्वियसली पता है कि डोर जो है लॉक थी है। हाँ मुझे पता है इसका की ढूंढना पड़ेगा, और क्या ही करूँ यार, ये तो एकदम ही मतलब हाँ होता है, घर तो लॉक ही होता है, तो आप लोगों को पता ही है। मैं भी अपना घर लॉक करके रखा हूँ, तो ये तो सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। तो इधर बहुत ही ज़्यादा अंधकार है गाइस। इधर लैंटर्न का चिन्ह है, इससे कैसे। गाइस हम लोग को थोड़ा सा तो उजाला मिला है इससे। ओह तो क्या गाइस चलते हैं अभी। इधर इधर क्या है देखते हैं। और इधर एक कार है जो कि मैं खोल सकता हूँ इसको, कार के अंदर कुछ है। अरे कार के अंदर तो कुछ है नहीं, कार तो मैं खोल तो सकता नहीं। तो ओके गाइस मुझे इधर जाना पड़ेगा। इधर एक रूम है, तो बिजली तो नहीं है, शायद मुझे बिजली भी लाना पड़ेगा क्योंकि मैं इधर स्टे करने वाला हूँ ना एक रात। मैं स्टे करने वाला हूँ, तो मुझे बिजली भी लाना पड़ेगा इधर से। तो इधर क्या है, पास में देखते हैं इसको पहले, घर के अंदर से पहले। ये कहते हैं, और ये बेसमेंट है। बेसमेंट भी लॉक है। तो ओके गाइस कोई नहीं, हम तो लोग पीछे जाके अंदर चलते। इसके अंदर क्या है, वो कुछ चमक रहा है ना इधर, खिड़की तो लॉक है। ओ गाइस चाबी मिल गया गाइस। यार मुझे एक चीज़ बताओ गाइस, ये भूतिया घर पे मतलब चाबी, मतलब किसी भी घर पे मैं सोच रहा हूँ कि चाबी इतना केयरलेस हो कौन छोड़ के जाता है। ये तो भाई कोई भी चोर, अगर मेरे वाला कोई चोर आता तो लूट के चला जाता घर को, पर उसको उसके पहले ही वो जो घोस्त थे वो उसको मार देता, मुझे पता है। मैंने चाबी ले ली, तो मैं अभी चलता हूँ उसके अंदर। जो मेरा जो घर है, मतलब ये अपना ही घर समझो, मेरा ही मेहमान का घर है। कोई भूत भाई कोई सेवा वगैरह नहीं करेगा क्या मेरे साथ? आशा करता हूँ कि भूत वगैरह कोई सेवा वगैरह नहीं करेगा, मुझे पता है मैं भाई अकेला ही हूँ, अकेला ही रहूँगा। सिंगल ही आया हूँ तो सिंगल ही जाऊँगा, मुझे पता है यार। हाँ मेरे जीवन पे कोई आने वाला तो है नहीं। घर के अंदर चलते हैं गाइस। अरे यार रुको, मैं तो फिर से गिर रहा इधर से। ये थोड़ा सा जॉयस्टिक थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा होता। घर के अंदर पहले देख लेते हैं। इधर तो भाई दूसरा माला भी है इधर, तो मैं चाहता था। और गाइस एक चीज़ मैंने ध्यान दी कि इधर मेरा जो ये लैंटन का जो ये है ना, मतलब ये कम रहा है, मतलब गैस जो है। मैं जो घर को जो अभी मुझे चाबी मिल गया था, अभी मैं देखता हूँ घर इसके से। गाइस घर जो है खुल गया फाइनली। गाइस और बहुत ही ज़्यादा अंधकार है, तो मैं लैंटन जला लेता हूँ थोड़ा सा। घर के अंदर चलते हैं। तो मुझे हाँ गाइस मुझे बिजली की ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा अंधकार, और मेरा लैंटन जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि मेरा जो है गैस जो है ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि इधर इधर एक मतलब चमकता हुआ कुछ चीज़ है, इसको क्या। ओ भाई ये तो एक और एक की मिल गया गाइस, किस चीज़ का की होगा गाइस। ये तो बेसमेंट का की है, जिससे मैं भाई जनरेटर चला सकता हूँ, शायद बेसमेंट भी होगा, मतलब जो जनरेटर है मेरा, हमारा जो कि घर का जनरेटर बेसमेंट में है। तो गाइस और ये रहा मेरा कार जो कि आप लोग देख रहे थे इधर। तो चलो बच्चों चलते हैं बेसमेंट की ओर।
ओके ये रहा हमारा बेसमेंट गाइस। ओके ओके तो गाइस हम लोग आ गए हैं बेसमेंट के अंदर। ओ भाई ज़्यादा ही अंधकार है भाई, इधर तो चलाना ही पड़ेगा भाई। ओके हम लोग आ गए हैं बेसमेंट के अंदर, जो कि आप लोग देख सकते हो कि भाई बहुत ही मतलब बड़ा होगा बेसमेंट। ओके हम लोग नीचे चलते हैं, तो मुझे जहाँ कुछ नहीं ना जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी में पा सकता हूँ। ओ भाई इधर तो भाई भूल भुलैया है गाइस, इधर तो गाइस इधर तो भाई भूल भुलैया है, तो मैं कहाँ से जाऊँ? राइट जाना ही ठीक रहेगा मेरे लिए, तो भाई सब कहाँ से मतलब जाऊँ। ओके गाइस फाइनली गाइस मुझे जनरेटर मिल गया है, तो गाइस देख सकते किधर। ओके सब ओके, मुझे अभी शायद ये ढूंढना पड़ेगा ना फ्यूल, मुझे फ्यूल चाहिए शायद, जिससे मैं जो है क्या कर सकता हूँ मतलब जो होता है ना जनरेटर मैं चला सकता हूँ इधर से। मैं आया किधर से था मैं तो वो भी भूल गया। ओके इधर से नहीं, ओके सीरिया फिल गया फाइनली। ओके गाइस बेसमेंट से बाहर निकलना ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसमेंट रहना मुझे एकदम ही पसंद नहीं होता। ओके बारिश शुरू हो गया भाई, ये भाई क्या है गाइस, और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अंधकार हो गया गाइस। घर के ओर चलते हैं गाइस, बिजली जो चालू लाइट तो चल रहा है पर बहुत ही ज़्यादा कम जल रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्म, बाहर बारिश भी हो रहा है गाइस, और इतना भी कम चाहिए नहीं, थोड़ा सा तो इलेक्ट्रिसिटी हो। अच्छा इधर इधर है ना ये, इसको मैं जला सकता हूँ क्या? लकड़ी लकड़ी लेके, हाँ मैं इसको जला सकता हूँ, मुझे लकड़ी लकड़ियाँ ले आना पड़ेगा बाहर से। और मैं ये जो हेरिकेन है इसको मैं जला भी नहीं सकता जल्दी जल्दी, तो अभी तो मुझे जलाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अंधकार है इधर। ओके इधर मेरा कार, और इधर शायद होगा लकड़ी, मुझे दिखा था लकड़ी पिछले बार इधर जब आया था। ओके गाइस इधर जो चमक रहा है यही होगा लकड़ी शायद, हाँ गाइस लकड़ी है गाइस, मिल गया गाइस फाइनली। ओके लकड़ी गाइस मिल गया, अभी मैं उसको जला सकता हूँ, उस जो चिमनी जो है हमारा, चिमनी कहते हैं शायद, तो उसको मैं जला सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, और भाई बारिश में भीग के मुझे ठंड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से मैं घोष वस्त्र हूँ और मुझे घोष को पकड़ना भी है, और मैं अपना शरीर को ठंड नहीं करना चाहता मतलब ठंडा नहीं लगना चाहता हूँ मैं मतलब। अरे रुको यार ये, ओके गाइस मैं तो लड़की मतलब लकड़ियाँ लेके मैं इसको चला देता हूँ गाइस। ओके गाइस लकड़ियाँ लेके मैंने इसको चला दिया, आप लोग देख सकते हैं गाइस जो चीनी जो है हमारा फाइनल जल रहा है, और अभी क्या करना है गाइस। ओके अभी उस सोफे के बाहर चलते हैं। ओके तो गाइस ये रहा हमारा दूसरा रात जो कि शुरू हो गया है गाइस। ओके तो अभी हम लोग घर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, घर के अंदर मतलब ऊपर चलेंगे ऊपर, तो किचन पे तो हम लोगों ने देख लिया, किचन में मैंने अभी तक नहीं देखा मुझे पता है, और मुझे ऊपर जाने का चिंता है, ऊपर क्या हो रहा है मुझे अभी तक नहीं पता, और मैं बेसमेंट पे तो जाना ही नहीं चाहता गाइस, कि मुझे बेसमेंट से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है भाई, इतना भूल भुल रहे हैं ना बेसमेंट के अंदर, तो क्या ही बताओ। तो चलो ऊपर चल के देखते हैं।
आई थिंक दे आर समोस अब दे आर जी। हाँ, मुझे पता था गाइस ऊपर कोई ना कोई है गाइस। चलो ऊपर चल के देखते हैं। ओके कौन है भाई? दिखाओ भाई अपना प्रो सरेंडर कर लो। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। वो तो ये दरवाजा तो बंद है। ओके ये वाला दरवाजा खुला है तो इसके अंदर देखेंगे क्या है। क्या 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 था, क्या था? ओ भाई गाइस, आप लोगों ने देखा कि कोई एक था रूम के अंदर। अरे यार मुझे मुझे नहीं खोलना यार ये वाला रूम, क्या ही बताओ गाइस। अभी खोलते खोलते वो, अरे अभी तो इधर ही था। होली शिट गाइस, क्या ही बताऊं मैं। चलो गेम खेलने के बाद पहली बार भूत दिखा इस गेम के अंदर। अभी तक तो कुछ आया था नहीं था। चलो कोई कोई नहीं। ओके इधर एक नोट पड़ा हुआ है जो कि मैं इसको देखता हूँ क्या लिखा है इसके अंदर। ओके माय सिस्टर एस आई से ओके कीप्ट सेइंग दैट शी वाज टॉकिंग टू ए टॉकिंग टू ए टॉक टॉल ब्लैक वोमैन। ओके ही वॉज कॉन्स्टेंटली ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ हर। ओके उसको उसका पिक्चर ड्रॉ कर रहा था बहुत बहुत ठीक है। और क्या लिखा है? ही वॉज कॉन्स्टेंटली ड्राइंग हर पिक्चर एंड स्केयरिंग अस। ओके माई फादर सेड दैट माई ब्रदर नीड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड कॉल द डॉक्टर टू द हाउस हाउस 5 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट सेशन। द डॉक्टर क्विकली लेफ्ट द रूम विदाउट ए सेइंग एनीथिंग सेइंग ही इज ए डेविल विद ए फियरफुल आइज। आप लोगों ने देख लिया कि नाजिना क्या लिखा, मतलब वो जो उसके घर के अंदर एक उसका एक नाजिल था, उसका ब्रदर शायद, वो मतलब उसका सिस्टर, कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ब्लैक ओमेन के बारे में कह रहा था और वो ड्राइंग कर करके सब लोगों को डराता था। और एक फिर उसको साइकोलॉजी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, उसने एक डॉक्टर को बुलाया। और डॉक्टर के बुलाने के साथ ही साथ कि वो उसको चेकअप करने के बाद ही वो डॉक्टर जल्दी से निकल गया रूम से और कहा कि ये एक डेविल है और मतलब डेविल के साथ बहुत ही मतलब खराब फेयरफुल इम्प्रेशन और भी बहुत कुछ कहा। और डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर गया था, डर के मारे निकल गया डॉक्टर कार पे बैठ के। और तभी सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा चौंक गए कि क्या हुआ। तो यही था एक्चुअली, तो नाजिल ने यही कहा, नोट पे यही लिखा था। तो अभी मैं बाहर निकल के देखता हूँ कब क्या कर सकते हैं हम लोग। पहली बात तो घर की लाइट लाओ यार, ये ज्यादा चला के भी कोई लाभ लाभ नहीं है। ये वाला रूम मैं खोल सकता हूँ? ओके तो इस रूम के अंदर क्या है भाई? ओ लीज से तो ओके 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 इधर एक बेडरूम है और इधर तो और कुछ तो है नहीं। ओके इधर और एक नोट है, इस नोट को पढ़ेंगे गाइस। पहले लाइट को बंद कर लेते हैं, फिर जाके हम पढ़ेंगे गाइस। ओके आई मिस माई फादर सो मच, आई वॉन्टेड टू प्ले विद किरस सिस्टर। ओके किरस सारे के सिस्टर है, उसका मतलब सिस्टर का नाम है उसका। बट माई फादर वॉज ऑलवेज एंग्री विद मी, ही सेड दैट देयर वॉज नो। होली शिट गाइस, ओ माई गॉड डैम शिट। ओ क्या हुआ क्या हुआ? लाइट जल